अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे क्या बातें चल रही है दोनों की, और ऐसे बाहर क्यों, अंदर चलिए ना। मैं तो बस ऐसे यहाँ से गुजर रहा था, बहन जी को देखा तो मिले चला आया, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। मैंने कब पूछा कि खास बात है या खास बात नहीं है, जो भी बात है अंदर तो कर ही सकते, आइए ना अंदर चाय भी पीते हैं। कर सकते हैं लेकिन आज नहीं, फिर कभी, है ना बहन जी, आज के लिए इतनी बातें काफी है ना। जाइए ना संभालिए प्राची को, मैं चलता हूँ। नमस्ते। ये क्या कह रहे थे सर कि संभालना प्राची को, दादी क्या बात चल रही थी मुझे बताइए। हमारे आपस के बीच की बात थी, तुझे क्यों बताऊं। लेकिन प्राची एक बात तो है। क्या? अंदर चल ना, मैं तुझे सब बताती हूँ। हाँ पर किस बारे में है बात, किसके बारे में है बात, वो तो बताइए। रणबीर के बारे में। बारे में आज तो बड़ा पावर पेस्ट्री सी पार्टी होगी। बेचारी खुशी सबको खुशियां बांटती रहती है, लेकिन आज मैं खुशी को खुशियां बांटूंगा, बिल्कुल उसकी मनपसंद चीजों के साथ। खुशी मेरा बच्चा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मतलब आज बहुत स्पेशल डे, आज हम लोग ना पार्टी करने वाले हैं। मैं बहुत स्पेशल चीजें लेके आया हूँ, हाँ सच्ची में। अच्छा गैस करो मैं क्या लेके आऊंगा, गैस एनी रैंडम गैस। नहीं चलो ठीक है, मैं तुमको हिंट देता हूँ ओके। पहली चीज है बहुत गरम गरम है और मसालेदार है, और दूसरी चीज है बहुत स्वीट स्वीट है और ठंडी ठंडी ठंडी। नहीं कोई गैस नहीं। अरे पगलू आपका फेवरेट वड़ा पाव, आपको अच्छा लगता है वड़ा पाव। ये वड़ा पाव लेके आया हूँ मैं आपके लिए, बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म और टेस्टी, देखा। और दूसरी चीज पता है, वड़ा पाव जब हम खा लेंगे ना उसके बाद हम मीठा खाएंगे, और मीठे में हम क्या खाएंगे, आपकी फेवरेट पेस्ट्री। आज पता है खुशी मैं बहुत खुश हूँ, इतना ज्यादा खुश हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको वड़ा पाव खिलाता ही रहूँ, खिलाता ही रहूँ, खिलाता ही रहूँ। आपको देख रहा मैं कितना खुश हूँ, गेस्ट करो मैं क्यों खुश हूँ। पूछो पूछो, अच्छा चलो पूछो मुझसे। पूछा, पूछ लिया, पता नहीं चला। तो मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, आपके शिव को उसकी लाइफ का बहुत प्यारा प्रोजेक्ट मिला है, बहुत बड़ा, इससे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, कैन यू इमेजिन। तो आज मैं चाहता हूँ अपनी इतनी सारी खुशी ना अपनी छोटी खुशी के साथ। क्या लगी क्या? नहीं कुछ हुआ है क्या खुशी आज? नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम आज मुरझाई हुई सी हो और तुम्हारी आंखों में भी इतनी खुशी नहीं है। ठीक हूँ ना? तुम मुझसे झूठ बोलोगी, अपने शेर से झूठ बोलोगी, क्या हुआ है मुझे बताओ। मैं ठीक हूँ। खुशी तुमने ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है और ये पहना क्यों हुआ है, ये अजीब सा क्या है ये? नहीं दिखाओ मुझे क्या हुआ है कुछ। अरे सिग्नल, मुझे जानने दो फूल बेचने। एक 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 सेकंड, ये आपके हाथ पे ये चोट कैसी लगी है? कुछ नहीं ऐसी ही है। कुछ नहीं क्या, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये चोट लगी हुई है, कैसे चोट लगी है? कुछ नहीं हुआ। खुशी एक तो आप ये हाथ हटाओ एक बार, दिखाओ मुझे। नहीं खुशी एक बार हटाओ दिखाओ मुझे। नहीं हटाओ दिखाओ, क्या हुआ है यहाँ पे? ये क्या, ये हटाओ इसे, ये क्या हुआ है, ये बच्चे किसने किया है आपको? ये कैसे हुआ है कि भगवान, ये किसने किया है, तो जोर से किसने मारा है आपको, बताओ मुझे, बताओ मुझको, नाम बताओ मुझे, किसने मारा, आपकी माई ने मारा आपको, कौन था या कौन थी, किसने किसने किया है आपके साथ, ये भगवान कितनी जोर से मारा है बच्ची को, किसने किया? खुशी खुशी मुझे नाम बोलो, किसने किया, डरो मत बिल्कुल, मैं हूं ना आपके साथ, बताओ मुझे किसने किया ये। अभी बताओ दादी क्या बात है। प्राची आज शाम में पूजा के लिए हम लोग मंदिर गए थे। हाँ और वहाँ पे मुझे पल्लवी और रणबीर की दादी मिले। तो प्राची तो आ गई, अब
सॉरी, मैं तुझे पहले ही बता देती, पर मैं फोन पे तुझे स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी। मुझे लगा जब तू घर आएगी ना तब बात कर लूंगी। एक सेकंड, क्या बात है, प्लीज बताना। वो तो दादी ने जो बताया वही बात है कि रणबीर की फैमिली मिली थी, पर मेन बात ये नहीं है। तो मेन बात ये है कि वो लोग भी खुशी को गोद लेना चाहते हैं, उसे अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं। क्या हुआ प्राची? दादी, मैंने कहा था ना आपको, आप ही बात बताएंगे तो वो स्ट्रेस में आ जाएगी। नहीं, वो एक्चुअली ये बात मुझे पहले से पता थी। क्या? तुझे पता था? हाँ, मैं जानती थी ये बात। फिर हम से किसी को बताया क्यों नहीं तूने? आप दोनों स्ट्रेस में आ जाती, टेंशन ले लेती, इसलिए नहीं बताया, परेशान नहीं करना चाहती थी। और तुझे कब पता चला? वो मैं खुशी से मिलने गई थी, खुशी और उसके माई से, उसके माई के लिए कुछ साड़ियाँ देने। तो वहाँ रणबीर आया और मैं उसी वक्त जान गई कि रणबीर के मन में भी ऐसा ही कुछ है। हे भगवान, ये संजोग है या बच्चों का एक और इम्तिहान? दोनों खुशी को अपना बनाना चाहते हैं। लाइफ में बिना कोई चीज आसानी से नहीं मिलती, कुछ ना कुछ तो होना ही है। प्राची, अब क्या करेगी तू? अब क्या? जो डिसाइड किया है वही। खुशी यहाँ आएगी हमारे घर, और कहीं नहीं जाएगी। वो मेरी बेटी है, मेरे पास रहेगी, हमारे पास, उसकी फैमिली के पास। क्या हुआ, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? अरे, तूने खुशी को अपनी बेटी कहा है ना? दादी, वो पता नहीं कैसे ऐसे मुंह से निकल गया। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि खुशी मेरी अपनी है, मेरा अंश है, मेरी बेटी है। उसके लिए दिल से बेटी ही निकलता है, वैसे ही निकल गया। ये तो मुझे पता था, लेकिन रणबीर के परिवार वाले खुशी को अपने घर ले जाने का मन बना चुके हैं। मैं भी मन बना चुकी, खुशी यहीं आएगी, हमारे घर में, हमारी जिंदगी में, मेरी खुशी। बात हार जीत की नहीं है दादी, बात बस इतनी सी है कि खुशी को मेरी जरूरत है, उसी तरह मुझे भी उसकी जरूरत है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।